नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सधैँ झैं स्वागत छ। सासलाईले दराई ननद लैले दराई दराई सैय लैले न सास मारे हुतका ननद मारे हुतका हुतका सैय मारे न हम त जइबो नैहरवा सैय हुतका मारे न। सासु पनि पिट्छिन्, श्रीमान पनि पिट्छन्, ससुरा पनि पिट्छन्, यस्तै भन्छन् बारा जिल्लाको बसतपुर गाविसका यी महिलाहरू आफ्ना गीतमा। बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट 12 किलोमिटरको दूरीमा दक्षिणतर्फ रहेको बसतपुर गाविसमा विगतमा घरमा रहेका आफ्ना स्त्रीहरूलाई कुटपिट गर्ने, दाइजो नल्याएकोमा हत्या गर्ने लगायतका अपराधलाई पनि सामान्य रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। हुन त अहिले पनि यस जिल्लामा यी समस्याहरू पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन्। यद्यपि यसको दरमा भने कम भएको यहाँका महिलाहरू बताउँछन्। यी स्वस्ति पाण्डेको 12 वर्ष नपुग्दैको उमेरमा आफ्नो भन्दा करिब 53 बढी उमेरका पुरुषसँग विवाह भएको थियो। उनको घर पनि सामाजिक कुसंस्कारबाट मुक्त थिएन। उनी आफूले सहनु परेको घरेलु हिंसाका घटना यसरी स्मरण गर्छिन्। हमार शादी हम 12 वर्षके ना रहनी तबे भयो। 12 वर्षमा भएको? हँ, 12 वर्षको अभी नाहिए रहनी, वर्ष अभी साल डेढ साल कमे रहे तब हमार शादी हो गयो। ओकरा बादमे सरजी हम अइनी हुआ तो हमार मरण माने तनका इज्जत कहके ओदे बढ़ले बाढ़न। तो अब गाँव समाज में ये जिनवा हमनी के माने अब जैसे कि हम पहले ही से जिना रहल बानी, तो अब जैसे कि हम तो पूरा लोग के चिन्ह तानी माने बहिन यहाँ कह के रहल बानी, तो हम तो पूरा लोग के जानत तानी चिन्ह तानी। अब केकरो से बोल दिया है, केकरो से बतिया दिया है, तो तू का हजे बतियैले हा, तू काहे बतियैले हा, तो ओहू ला सर बांध के पिटाई। ई सर्दी जास तन के डिप्टी उप्टी करे दवाई फटड़ी मुझे घड़ी गाड़ रहा जास, तो उन्हें से जब आ सुनू तो हमने के चौक देखा था नी नाहर, नाहर पर दू गो गाड़ लो खट रहे जे बोलू तोहर मेहरारू देखनी है जे रात के घूमत रहो हा। तो ई अवस्था हमरा से पूछस जे तू काहे घूमत रहले हा, तो हम ऐसे पूछी जे के कहलक कह के, तो माने ऐसे तो सर हम सब जानबे करी जे हाँ ऐ लोग कहते, लेकिन हम बिना जानल केकरो से काहे जान पूछे, जबकि हमर मर्दे कहत तो हम लोग से जान थोड़े। ओकरा बाद में सर जी लोग सिखा के इनकर पट्टी परदार पूरा सिखा के ढूका लगवावे लोग रात के, आई हमर मर ढूका लागस लाठी लेके। आफ्ना श्रीमानकै अगाडि स्वस्तिले यसरी आफ्नो विकट सुनाइरहेकी थिइन्। बीच बीचमा उनको श्रीमानले चुप लाग्न गरिरहेको आग्रहलाई उनले यसरी नकारेकी थिइन्। ये सब होकेला तब नु लाज लगी। ओकरा बाद में अब कथी सर रह गल अब वैसन नहीं थे कह के ना, अब जबकि पूरा समाज में आनी बैठे लगल सुने लगल तो अब वैसन समस्या नहीं थे। विवाह पछि कम दाइजो अर्थात तिलक ल्याएको कारण घरमा कुटपिट सहेकी यी हलिमा खातुनलाई सामुदायिक संस्थामा सदस्य बन्न पनि सजिलो भएको थिएन। सुरु सुरुमै बात सास ससुर रहे, देहादिन रहे, देवर रहे, ससुर रहे, सब कोई रहे लोग, तो बहुत हिंसा समझे कोनो ऐसा काम करे खातिर, ए है काम नहीं खे करत, है काम नहीं खे करत, ई कहाँ ई फलानवा के बेटी है, एकरा तिलक नहीं खे मिलल, एकरा दहेज ना मिलल बा, एकरा से है काम करवावल जाओ, ओहू विषय में भइल। तो हमनी के का करनी, नए नए में अभी बहू रही सन घर में, तबे से ई कल के अपनी कार धंधा देखे लगनी, कहीं कटनी करे गईनी, कहीं रोपनी करे गईनी, कहीं घास गरनी, नाद बोझनी, भैंस दूहनी, सी ओहू से हमनी के मारपीट ना हुई, ओहू से गाली ना हुई, तो सब काम हमनी के करे लगनी। करे लगनी तो मालिक गार्जियन जास कमाए बाहर, तो अब जास दिन भर कमा के आवस तो उनका तो खीस रहे, रोस रहे, आ घर में तो हमू पिटाई रहनी, सास मरले रहलन, ससुर मरले रहलन, देवर गाड़ी दिले रहन, तो हमरो तो कुछ खीस रहे, तो हम का करी खाना ना बनाई। हम अपनो बात कहते हैं, हम खाना ना बनाई से खाना काहे जाई बनावे, हमरा के सब कोई गाली देता मारता लोग, तो खाना काहे जाई बनावे, अपनो बात बा। उसे हल हो गई? तो उसे बहुत हल हो गल सर। पहले के बात में यही रहे से श्रीमान हमनी के काहे मरनी, से पहले तो हमनी के अवस्था ना रहे खड़ा होके के बोले के कहीं बैठे के, तो कहीं जाई सन श्रीमान से पूछी सन से हो यहाँ जाता नहीं, तू काहे जेबू, काहे कथिर जेबू,
तू काहे एंगे बहर तारू के नहु तो कहनी सन से देखी ना ऐसा ऐसा आदमी लगे जाता नहीं बैठे सन तब बोली बात सीखे सन बुद्धि बढ़ी हमनी के ओ खातिर हमनी के श्रीमान के कुछ बोर लागे तो गाली देव झगड़ा करस मारस तो हमनी कहनी से देखी ना एगो अपना ही कमैला से ना भय हमनी कुछ सीखे सन कमाय सन दो पैसा तो हमनी के आगे बढ़ल जाए वैसे ऐसे कह के समूह खुलल समूह सब में बैठे लगनी तो 10,000, 20,000, 50,000 लेके श्रीमान के हाथ में देनी से अब ऐसे भैंसी पालन करल जाओ ऐसे दूध दूह के हमनी के बेचल जाए तो आगे बढ़ल जाए तो यहू से हमनी के कुछ हरानी भागो। विपन्न समुदाय लक्षित कोषको कार्यक्रमले सामुदायिक संस्थामा कम्तीमा 80% सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा महिलाहरूलाई समेटेर आयोजनमा समेत सक्रिय बनाएकोले यहाँ महिला पुरुषको सम्बन्धमा मात्र सुधार भएको छैन, उनीहरू स्वरोजगार पनि बनिरहेका छन्। खर्च त यही अब क्या किया जाए, अब गरिबी समय है तो अपना लिए नहीं होने पर तो कर्जा पैसा काढ़ कर तो बच्चा को तो पढ़ाना पड़ा, तो यही बात है। यही समूह में से भी गरीबी निवारण में से भी हम लोग कुछ काढ़े हैं, भैंसी उसी किनाया हुआ है, उसमें किस्ता उस्ता हम लोग का बूझता है सर। कुछ श्रीमान कमा के लिए नहीं, कुछ हम कमैनी, दोनों आदमी मिल के कमाए लगनी तो हमने का दुख भागे लागल, हमने आगे कुछ बढ़े लगनी सन तो उसे मात्र अब श्रीमान घर में विवाद ना करनी, मारा पीट ना करनी। यो बिक्री करे कति आउँछ? त्यो बिक्री गरे पनि आउँछ 2,00,000 जति रुपियाँ आउँछ, सबै सबै खपेर 2,00,000 रुपियाँ आउँछ। उहाँ संस्थामा नबसे भए 40,000 पाइने रहेछ त? त्यो संस्थामा त दिनुपर्छ 40,000 रुपियाँ, त ऋण ऋण लिया छ, त्यो गरिबी निवारणबाट ऋण लिया छ। अहिले भने यहाँका स्थानीयहरू छोरा र छोरी बीच समान व्यवहार गर्न थालिरहेका छन्। यसले महिलाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको अधिकार सुनिश्चित हुन थालिरहेको छ। पहिलाको मान्छे त्यति पढेको त्यसैले 8 क्लास 5 क्लास पढेर अनि बिहे गरिदिए। तपाईँकै उमेरका पनि एक दुईजना यहाँ देखिनुहुन्छ, यसो हेऱ्यो भने होइन, उहाँहरूले चाहिँ किन नपढ्या होला? उहाँहरूको आमाले पढाउनु नभएको हुनाले जस्तो किन पढाउन नपढाउने होला छोरीहरूलाई, के लाग्छ तपाईँले, के थाहा पाउनु भएको छ? पहिलाको मान्छे भन्थे कि छोरीलाई नपढाउने छोरालाई पढाउने, अब त सबैले पढाउँछ छोरालाई पनि छोरीलाई पनि। तपाईँहरूको समूहको सबै महिलाले पढाउँछ बच्चालाई? सबैजना पढाउँछ, कसैको छोरछोरी स्कुल नगएको त्यस्तो छैन। उनीहरू आफ्नो स्वतन्त्रताको खुलेर अनुभव गर्न थालेका छन्। घरमा रहन त पाँचै हात नै पौरी, अब घरमा चाहिँ जब घुङ्गो ठाल ठाल अब त दु हात हाउडी बेसी पौरे लग्ने छन्, दु हात हाउडी बेसी दौडे लग्ने छ, तब ओहि लखन दौड्दै दौड्दै अब बहुत छिस्कामा अब बहुत आदमी द्वारमा आज आ गए। यस्तै स्वतन्त्रताको बयान गर्छ यिनीहरूको यो गीतले। वरिपरि केही पक्की घरहरूको केन्द्रमा रहेको यी ससाना छाप्रो धनिकार समुदायका मानिसहरूको हो। यो बस्तीका सबै 29 घरधुरीमा सोही समुदायकै मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। साहुहरूको दया मायाबाट यहाँका कतिपयले बास पाएका रहेछन् भने कतिपय ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका रहेछन्। सन् 2011 को केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार देशभर जम्मा 2,681 संख्यामा धनिकार जातिको बसोबास रहेको छ। हुन त यहाँ यस्ता कच्ची घरमा बस्ने धनिकार समुदाय मात्र एक होइनन्, यहाँका 54% मानिसहरूको बसोबास यस्तै किसिमको कच्ची घरमा हुने गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2058 देखाउँछ। तर यहाँको अवस्था भने केही पृथक छ, किनभने यहाँ एकै घरमा 2-3 परिवारसम्म बसिरहेका छन्। सडक बाटोमा जोडिएको यो बस्ती आउने सानो गोरेटोसम्म बत्ती छ, तर 1-2 घरबाहेक अन्यले यो सेवा प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। पुरै बस्तीमा खानेपानीको लागि एउटा मात्र ट्युबवेल जडान भएको देखिन्छ। यहाँ कसैको घरमा पनि शौचालय निर्माण भएको देखिँदैन। समग्रमा भन्दा बस्ती रोग भोक र शोकले भरिएको छ। अहिले गाउँमा कलको व्यवस्था नहै, बुझल गेलै, पानी नहै, कल नहै, बिजुली नहै, बिजुली मात्रै 2-3 घरमा हेर्ने त सबको घरमा होइन त्यही। तर विक्रमसम्म 2067 सालबाट भने यो बस्तीका मानिसहरूको जीवनशैली बदल्ने प्रयासमा गरिबी निवारण कोष लागेको देखिन्छ। पहिला त 2-4 बाँस काट्नु भयो, ऊ बाँसमा
दसवटा बीसवटा सुपा बनायो यो यहाँ को बस्ती को लोग कम सम पूजी थियो। अब इन निवारण कोष से ढौआ मिलियो तो थुपड़े बाँस काटे को धेरे नागलो बनाए को बाल बच्चा को थुपड़ो भयो तो पढ़ाई लिखाई सर सफाई यही करे को छ। यी समुदायको मुख्य पेसा भनेकै नाङ्लोहरू बनाउने र बेच्ने रहँदै आएको छ। विपन्न यी समुदाय नाङ्लो बेचेर आएको आम्दानीबाटै गुजारा गर्ने गर्छन्। सोही रकमबाट बचाएर केही रकम थप बाँस किन्न प्रयोग गर्ने गर्छन्। विगतमा पुँजी अभावमा यो प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ अवरोध पनि आउने गर्दथ्यो, तर यहाँ विक्रमसम्म 2068 सालदेखि कोषले रु 6,16,000 रकम ऋण अनुदान सहयोग गरेको छ। आफ्नै समूहबाट सस्तो ब्याजदरमा रकम प्राप्त गर्न थालेपछि यी समुदायको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ। तब तो चार दिन पाँच दिन जैती है तब फिर वो देती पैसा समूह वाले तहिया से बैठे लगे पहले नहीं बैठे छे ना एना समूह नहीं चले छे पहले तो लोग देखे छे ऋण कर्जा ले छे कमाए छे खाए छे आ जहिया से समूह खुजलिए तहिया से ऋण कर्जा नहीं ले वही में खैलक कमेलक बाल बच्चा के लगेलक कैला बनैने से समूह केना चलते समूह के केना अथी होते केना ऊपर माथे बढ़ते केना सब दिन रह अथी आब ऊपर माथे बढ़े के उपाय कहीं सस्ता खुजल या सबके अकील आब समूह चल रही बढ़िया से आब सब बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई वही में किस्त आती रहे वही में अपन बाल बच्चा के देख दुख में लगे खाए पिए सब चीज करे के बिजनेस करे झगड़ा व्यापारी करे तो आगा माथे बढ़ाबे पहले तो नहीं हो चले आब जहाँ से खुजल तहिया से बढ़ाबे के उपाय हाँ तो ब्याज दिया 5,000 15,000 जमा कर लिए हाँ जहाँ से समूह भेले तहिया से नहीं कर्जा वर्जा ले पड़े पहले कते बनबे छै आम भी आब कते बनबे छै अभी 300 सोड़ी भऽ जाय डगड़ा 300 एक साल में पहले 20 गो। उत्पादनमा भएको वृद्धिले यहाँको गरिबी केही मात्रामा भए पनि घटेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ। समुदायमा एकजना मात्र 10 कक्षा उत्तीर्ण गरेको बताउने यहाँ कार्यक्रमको प्रभाव यहाँका शैक्षिक वातावरणमा पनि परेको देखिन्छ। केटाकेटीलाई पढाउन सिकाउनको लागि एकदम गार्जियन स्टार्ट छ। तपाईँहरू पहिले पढ्नु भएन होला है? 5 क्लासमा पढ्नु भयो। तपाईँले पढ्नु भयो 5 कक्षा अनि किन छोड्नु भएको बिचमा? मेरो गार्जियन बुढो भइसक्यो, भाइमा अकेला भयो, एउटै बहिनी 4 थियो, खर्च बेसी भयो त्यो ठाउँमा। बुबाले भनेको मेरो अवस्था छैन, छोरा एउटै छ, यानि पढाइ लेखाइमा सकेको छैन, म पढाइ छोडिसकेँ। अब त सब बालबच्चाको पढाउनुहुन्छ। जस्तो उनीहरूलाई एसएलसी पास अथवा आइए पास बिए पास गराउन सक्नुहुन्छ? अब त आफ्नो उन्नति हुन्छ त सब बालबच्चाको आफ्ना व्यक्तिगत सब पढाउनुहुन्छ। सुरक्षित भविष्यको कल्पनामा यहाँका केही घरधुरीका व्यक्तिहरू विदेशीका समेत पाइन्छ, तर अन्य भने समूहमै भएको रकम परिचालनबाट आफ्नो गरिबी घटाउने उद्देश्यमा लागेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य प्राप्तिको गतिलाई केही द्रुतता प्रदान गर्न सकिए अहिले यहाँ विद्यमान रहेका समस्याले पनि चाँडै समाधान प्राप्त गर्ने थियो। आजको कार्यक्रम यति नै, अर्को हप्ता पनि कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, नमस्कार।